गोविंदगढ़ कस्बे स्थित खाटूश्याम नगर में क्षेत्र के पहले भव्य श्री खाटूश्याम मंदिर में बाबा खाटूश्याम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 3100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा रामबास गांव से प्रारंभ होकर गोविंदगढ़ कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई श्री खाटूश्याम मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराया गया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां सहित घोड़ा बग्घी पर बाबा श्याम की प्रतिमा को नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की हजारों की तादाद में संख्या देखते ही बनी रही थी। श्रद्धा का भक्ति ऐसा ज्वार उमड़ पड़ा कि चारों ओर बाबा श्याम के प्रतीक ही प्रतीक नजर आ रहे थे। पंडित जगदीश शास्त्री ने बताया कि आज यहां पर 3100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां भगवान गणेश का प्रथम पूजन किया गया। पूरे गोविंदगढ़ में नगर भ्रमण किया गया। कस्बे में लोगों ने हर्षोल्लास से भगवान की आरती उतारी, जिसके बाद खाटूश्याम नगर स्थित खाटूश्याम मंदिर पर कलश यात्रा पहुंची। कल 9 तारीख को रात्रि को बाबा श्याम का जागरण का आयोजन किया जाएगा और 10 तारीख को प्रातः 9 बजे के लगभग भगवान श्याम बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद हवन होगा। पूर्ण आहुति के पश्चात दिव्य भंडारा होगा, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर 3100 के लगभग कलशों की यात्रा निकाली गई और भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया और पूरे गोविंदगढ़ नगर में भ्रमण किया गया, जिसमें बड़े हर्षोल्लास से लोगों ने भगवान की आरती की और उसके बाद में जो खाटूश्याम मंदिर पर कलश यात्रा आई। और आज हमारा यहाँ पर जो वेदी पूजन है, वेदी पूजन किया जाएगा। उसके बाद में आज सायंकाल भगवान श्री खाटूश्याम जी का यहाँ पर जलाधिवास होगा। कल प्रातः वेदी पूजन के बाद में अन्नादिवास, जलाधिवास, फलादिवास आदि क्रम और उसके बाद में अंत में रात्रि कालीन संयादिवास होगा। और 10 तारीख को प्रातः सुबह 9:15 बजे के लगभग भगवान श्री खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में हवन होगा। हवन के बाद में पूर्ण आहुति और दिव्य रूप से भंडारा होगा। समस्त नगरवासी एवं समस्त भक्तगण या सभी लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और बड़े ही आनंद पूर्वक सारे कस्बे वासियों ने, नगर वासियों ने धूमधाम से भगवान खाटू श्याम जी के इसमें भाग लिए। रात्रिकालीन कल भगवान श्री खाटू बाबा का नवजागरण होगा और प्रथम ये होगा। और उसके बाद में भगवान का दूसरे दिन 10 तारीख को भंडारा आदि का आयोजन है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है और सभी से हमारे जो कराने वाले हैं प्रतिष्ठा, शुभ नाम रमेश चंद जी और ईश्वर सिंह जी के द्वारा यहां पर सहयोग से ये सारा कार्य किया जा रहा है।